एकता जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं एकता चोपड़ेकर गोवा से बोल रही हूँ। एकता जी, आप गैस का कनेक्शन इस्तेमाल कर रही हैं, आपको धुएं से राहत मिली, पहले क्या हाल था, किस प्रकार से जीवन चलता था? पहले हम जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर लाना पड़ता था, यहाँ पे बारिश भी बहुत पड़ती है तो सूखी लकड़ियां रखने में भी बहुत परेशानी होती थी। फिर चूल्हा जलाकर खाना टाइम पर नहीं बनता था, तो बच्चों को भी खाना टाइम पर नहीं मिलता था, बच्चे भी बहुत परेशान होते थे। और फिर पूरा घर धुएं से भरता था तो खांसी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब से भारत गैस उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो खाना टाइम पर बनता है और बच्चों को ही खाना टाइम पर मिलता है तो बच्चे भी खुश हैं। गैस पर खाना टाइम पर बनता है तो बच्चों को टाइम बचता है, बच्चों को टाइम देती हूँ मैं। फ्री टाइम में हम बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चों के साथ टाइम बिताती हूँ, अच्छा लगता है। एकता जी, लॉकडाउन में आपको रिफिल में कुछ मदद मिली, उससे आपका कितना लाभ हुआ? मुझे तीन रिफिल मिले हैं और रिफिल का एडवांस पेमेंट भी बैंक में जमा हुआ तो गैस लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा एकता जी, आपको ये कनेक्शन मिलने से जब पता चला कि ऐसे कनेक्शन मिलता है तो क्या आपको कोई सिफारिश करनी पड़ी या कोई बिचौलिया आ गया, कुछ ऐसी चीजें मांग गया, ऐसी कुछ मुसीबत आई या सीधा सीधा ये व्यवस्था हो गई आपकी? भारत गैस वाली गाड़ी से मुझे पता चला तो मैंने पेनिम गोवा ऑफिस में जाकर इंक्वायरी की और एप्लीकेशन दे दी, फिर उसके बाद मुझे भारत गैस का कनेक्शन मिला। एकता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये भी जानकर अच्छा लगा कि आप लोग सिलेंडर रिफिल करा रहे हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पहले की सरकारों की स्थिति तो आप लोगों को याद होगी, जब एक साल में कितने सिलेंडर रिफिल होंगे इस पर चर्चा संसद में हुआ करती थी। अब स्थितियां बदल रही हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है।